हेलो गाइस, वेलकम टू नुमान मेडिसिन। स्वागत है आपका हमारे चैनल नुमान मेडिसिन में। गाइस, आज हम बात करेंगे एटिनोलॉल टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे, जैसे कि इसके यूजर्स, इसकी डोज, इसके साइड इफेक्ट और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और आखिर तक बने रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो एटिनोलॉल जो टैबलेट है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है गाइस, और ये बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है। इस कैटेगरी के अंदर और भी दो मेडिसिन आती हैं, जैसे प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, ये भी बीटा ब्लॉकर ही हैं गाइस। अब बात करते हैं इसके फेमस ब्रांड नेम की। तो इसके जो फेमस ब्रांड नेम है वो रहते हैं टोनोरमिन टैबलेट और एटिनोवा टैबलेट और हिपेरेस टैबलेट, एटेन टैबलेट। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें गाइस, ये तो 25 mg, 50 mg और 100 mg में अवेलेबल रहती है मार्केट में। गाइस, इसके यूज़ की बात करें तो इसका जो फर्स्ट यूज़ रहता है वो रहता है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में। तो ये जो है, यदि कोई व्यक्ति है जिसका हाई बीपी हाई हो गया है नॉर्मल से बढ़कर, यानी कि 80/120 से बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट दी जाती है नो बीपी को नॉर्मल करने के लिए। इसके अलावा जो इसका सेकेंड यूज़ रहता है वो रहता है एंजाइना, यानी कि किसी के चेस्ट पेन है या फिर टाइटनेस है चेस्ट में, या फिर उसको टाइटनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट दी जाती है। और इसके अलावा जो इसका यूज़ रहता है वो रहता है कार्डियक अरिथमिया, यानी कि हार्ट बीट किसी की इरेगुलर हो गई है, मतलब रेगुलर नहीं चल रही है, तो उसको रेगुलर करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। तो गाइस, ये तो थे इसका यूज़ है। इसकी डोज के बारे में, जो डोज रहती है वो रहती है अकॉर्डिंग टू वेट और एज और सीवियरिटी के ऊपर। स्टार्टिंग टाइम में इसकी डोज जो दी जाती है 25 mg की टैबलेट दी जाती है, और यदि किसी का उस टैबलेट से बीपी कम नहीं होता तो फिर उसकी डोज बढ़ाकर 50 mg कर दी जाती है। 50 mg करने पर बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो गाइस, 50 mg की टैबलेट डेली चलती है उसकी। और याद रखें गाइस, हाइपरटेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 100 mg से ऊपर नहीं देना चाहिए। अब बात करें गाइस इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन रहते हैं कि यदि कोई वुमेन है जो प्रेगनेंसी में है तो उसको नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं देना है। ये पेशेंट है जो अल्कोहलिक है, उसने अल्कोहल की है, तो उसको भी इस दवा को नहीं देना है गाइस। और हार्ट फेलियर प्रॉब्लम है किसी को तो उसको भी ये टैबलेट नहीं देना है। किसी को किडनी फेलियर या किडनी डिसीज़ या लीवर डिसीज़ है तो वो इसको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले, इसके बारे में बताए ज़रूर। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसके जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, डिजीनेस हो सकता है, या फिर ब्लर विजन, मतलब थोड़ा धुंधला दिखाई दे सकता है, फिर थकान महसूस हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, या कन्फ्यूज़न हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। गाइस, ये थी एटिनोलॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।